भाजपा स्थापना दिवस पर दहिसर विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सूरज प्रताप सिंह यूथ फाउंडेशन की तरफ से सैकड़ों लोगों ने पक्ष प्रवेश किए। इसके पहले सूरज प्रताप फाउंडेशन की तरफ से बाइक रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर सूरज प्रताप सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से वह बहुत प्रभावित है, क्योंकि देश में आज पीएम मोदी ने जो सनातन को जिंदा किया है वह इतिहास में कभी नहीं हुआ, इसलिए सूरज सिंह भाजपा के साथ जुड़े हैं। इस मौके पर सूरज सिंह ने बताया कि हम आगे पीएम मोदी के साथ मिलकर देश के विकास में हाथ बटाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी का जो कार्य जो पूरे देश में चल रहा है और मोदी जी का जो नारा है 400 पार का, उसको देखते हुए हमको काम दिखा मोदी जी का, घर घर शौचालय और जो उद्योग जो छोटे उद्योग लोग थे इनको लोगों को जो अपना गवर्नमेंट से जो फंडिंग कराने का जो कार्य है चल रहा है, जो लोगों को सहयोग मिल रहा है, छोटे से लेके बड़े लोगों का साथ में लेके मोदी जी 400 पार का नारा लगा रहे, उसको देखते हुए मुझे मोदी जी का कार्य अच्छा लगा, इसलिए मैं मोदी जी के समर्थन में आज मैंने पक्ष पे बीजेपी में प्रवेश लिया है। आपके यूथ के तमाम लोग, आज का इस समय आपने क्यों सही समझा इस भाजपा में प्रवेश के लिए? आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आज पीयूष गोयल जी जैसे हमारे यहाँ के जो सांसद के रूप में जो कैंडिडेट है, इनका कार्य, इनने जो केंद्र में जो काम किया है और इनके साथ में जो काम करने का जो ऊर्जा मिलेगा वो आने वाले टाइम में लोगों के बीच में बहुत अच्छे तरीके से हम भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम कर पाएंगे, इसके लिए मैंने आज के रूप दिन में प्रवेश लिया। कितने लोगों ने पक्ष प्रवेश लिया है, क्या संकल्प लेते हैं आज प्रवेश के बाद? हमने भारी संख्या में हमारे सभी समाज के लोगों के साथ में और सभी हमारे सोशल वर्कर के साथ में हमने आज पक्ष प्रवेश लिया है और संकल्प हमारा यही है कि जो पूरे क्षेत्र के अंदर देरसर विधानसभा में मनीष अताई चौधरी के नेतृत्व के अंदर जो कार्य कुछ बाकी रह गए उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे और इस बात को हम दूर तक पहुँचाएंगे। चुनाव के दौरान आपके फाउंडेशन का क्या कुछ माध्यम होगा, किस माध्यम से आप किस तरह से कार्य करेंगे इस चुनाव के दौरान? फाउंडेशन का मेरा कार्य तो मेरे कुछ कोरोना काल से पहले से चला आ रहा है और उसमें भी हमने बहुत काम किया, लोगों के सभी सहायता से काम किया है। हमारा फाउंडेशन ऐसा है कि सभी हर क्षेत्र में काम करता है, मेडिकल से लेके लोगों की सहायता से लेके लोगों को कुछ आपदा हो, उनमें कोई प्रॉब्लम हो, सीनियर सिटीजन है उनको सहयोग करना है, उस चीज़ों में हमारा फाउंडेशन काम करता है। चुनाव के माध्यम से हमारे फाउंडेशन के सभी जो पदाधिकारी है, जो भी सब सोशल वर्कर है, सभी हम पीयूष जी के नेतृत्व और मनीष अताई जी के नेतृत्व के अंदर पूरा भारी लोगों के साथ में रह के हम फील्ड पर काम करेंगे।